गाइस, मैं एप्रिलिया के बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूँ। एप्रिलिया उस ओरिजिन से बिलोंग्स करता है जहाँ से आपका डुकाटी एंड एमवी अगस्टो जैसे इटालियन ब्यूटी बिलोंग्स करता है। अगर गाइस R3 के जैसा RS457 इम्पोर्टेड होता तो इस बाइक का प्राइस मोर देन 6.5 लैक्स होता। एंड गाइस, बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि एप्रिलिया इसे फुल्ली ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, तो आफ्टर सेल्स इसका सर्विस कैसा होगा? सो गाइस, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बोल दूं, एप्रिलिया ने बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कंपनी ने 2024 मार्च एंड से 58 सर्विस सेंटर ओपन कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। गाइस, अभी तक की 400 सीसी के अंदर सबसे सुपीरियर जिस बाइक को माना जा रहा है, आप बोल सकते हो ऑलराउंडर बाइक, तो दैट इज एप्रिलिया RS457। अनडाउटेडली गाइस, दिस इज द बेस्ट इन क्लास बाइक इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फीचर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जिस प्राइस पॉइंट में कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च किया, दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ओनली 4.10 लैक्स में कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च कर दिया। एंड गाइस, सबसे प्राउड की बात यही है, तो दिस इज फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। सो मेरे को नहीं लगता गाइस इस सेगमेंट में दूसरा किसी बाइक इस बाइक के साथ कम्पीट कर पाएगा। गाइस, इस बाइक के अंदर आप मोर देन 13 एक्सेसरीज एड ऑन कर सकते हो, वो भी कंपनी से, जो कि किसी भी कंपनी नहीं ऑफर कर रहा है। गाइस, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। गाइस, हमारा फर्स्ट नंबर पे जो आता है, दैट इज फ्रंट एक्सेल प्रोटेक्टर। तो मान लो गाइस, आपका बाइक गिर गया तो फ्रंट का जो शॉक एब्जॉर्बर है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको डैमेज नहीं होने देगा। गाइस, हमारा सेकेंड नंबर पे जो एक्सेसरीज है, दैट इज क्विक शिफ्टर। कंपनी से ही इस बाइक के अंदर आप क्विक शिफ्टर एड ऑन कर सकते हो, मतलब होता है क्लचलेस शिफ्टिंग। आप अगर इस बाइक को लेके ट्रैक वगैरह कर रहे हो तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज रेस में क्विक शिफ्टर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। गाइस, हमारा थर्ड एक्सेसरीज की बात करें तो दैट इज पैसेंजर सीट कवर। तो जैसे कि देख सकते हो गाइस, एक्सेसरीज में कुछ इस तरह सीट कवर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक्स दे रहा है इस बाइक के साथ। गाइस, हमारा फोर्थ नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज एडजस्टेबल ब्रेक लीवर। अपने हिसाब से आपका बाइक का जो ब्रेक है उसका लूज या फिर टाइट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बाइक अगर गिर गया तो ये जो ब्रेक लीवर है फोल्ड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। फिफ्थ नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज USB चार्जर। आप कहीं पर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। गाइस, सिक्स्थ नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज हाई विंड स्क्रीन। बहुत सारे भाई लोग इसको बबल वाइजर बोलते हैं, विंड ड्रैग को थोड़ा कम करने के लिए ये जो विंड स्क्रीन है यूज होता है। गाइस, सेवेंथ नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंटी थेफ्ट सिस्टम। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। सो गाइस, आपका बाइक को कहीं पर भी पार्क कर सकते हो सेफली। गाइस, एट नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज इंटरनल बाइक कवर। गाइस, ये चीज मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज इंटरनल बाइक कवर। आपको पता है तो गाइस आप नीचे कमेंट करके बोलना। नाइन्थ नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज एक्सटर्नल बाइक कवर, जो कि हम सब ने यूज करता है। सो कुछ इस तरह गाइस, कंपनी से ही आप एक्सटर्नल बाइक कवर खरीद सकते हो एंड बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा है गाइस। गाइस, टेंथ नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज फ्रंट ब्रेक लीवर प्रोटेक्शन। गाइस, आपका बाइक अगर गिर गया तो ब्रेक या फिर क्लच टूटने का चांस रहता है, तो ब्रेक या फिर क्लच को टूटने नहीं देगा। गाइस, 12th नंबर पे हमारा जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज हेलमेट लॉक। आपका जो हेलमेट है उसको कैरी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाइक के साथ ही आप इसको अटैचमेंट करके रख सकते हो। गाइस, 13th नंबर पे जो एक्सेसरीज आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज TPMS 440, दैट इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो गाइस, मेरे को नहीं लगता इस सेगमेंट में दूसरा किसी भी बाइक के अंदर आप इस तरह एक्सेसरीज एड ऑन कर सकते हो, वो भी कंपनी से। सो गाइस, यह पर ही एंड नहीं है, इसको छोड़ के भी आप बहुत सारे माइनर एक्सेसरीज कंपनी से एड ऑन कर सकते हो। उसका टोटल लिस्ट अब मैं डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। गाइस, इस बाइक के बारे में आपका क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट करके बोलना। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन से 400cc कैटेगरी के अंदर अनडाउटेडली दिस इज द बेस्ट बाइक एवर। सो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू सून, बाय बाय, लव यू।